हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो? आज मैं ये दूसरा वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि पिछला वीडियो सबने देख लिया होगा अब तक, और जो कि देखते हर रोज़ उन सबने तो देख ही लिया होगा कि मैंने क्या बनाया था और कैसे बनाया था। मैंने बोला था उस वीडियो में कि वो वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में कई सारी मैंने गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ कोई ना करे इसलिए डाला था। अब ये जो वीडियो है ये मैं अपने माँ के हाथ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एक नॉर्मल डिज़ाइन मैंने उनके हाथों पे बनाया और वही मैं आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो सब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मगर मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ और आज आपको मेरी माँ का हाथ देखे तो पता चल ही जाएगा कि आई एम फ्रॉम बंगाल, क्योंकि ऑथेंटिक बंगाली जो कहते हैं ना वो मैं हूँ, और इसलिए मेरी माँ का हाथ देख के आप लोग समझ जाओगे क्यों, और थोड़ा बाद में। तो मैंने अपने माँ के हाथों में ही मेहंदी लगाया। हालांकि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मगर फिर भी मैंने उन्हीं का हाथ लिया और वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मुझे कि उन्होंने बोला कि ठीक है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है खैर, मगर मैंने उनके हाथ पे ये डिज़ाइन बनाया है। मैंने सिंपल फ्लोरल वो फ्रिल फ्लावर्स लेके सिंपल सा मैंने डिज़ाइन बना दिया था। छोटा सा डिज़ाइन है, एल्बो के नीचे से लेके रिस्ट के आगे तक ही मैंने ये डिज़ाइन बनाया है क्योंकि वो ज़्यादा अपना हाथ दे नहीं पा रही थी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया भी नहीं। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। और उनके हाथों में तकलीफ़ थी और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई होगी, और मैंने एकदम अंत में जाके मैंने ये वाला पीकॉक बनाया है और उसके अंदर भी फ्रिल से ही मैंने डेकोरेट किया है इसको, और एक छोटा सा चेक रखा था मैंने इस पीकॉक के अंदर। तो मैंने ये पूरा वीडियो फ्रिल फ्लावर्स के ऊपर बनाया है और ये कहीं भी पे आप पूरे हाथ पे ये यूज़ कर सकते हो। आप मैंने जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उसको थोड़ा इधर उधर करके आप ये अपने पाम पे भी आप ये मेहंदी बना सकते हो। तो होप आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसकी डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने पिछला वीडियो गलतियां ना हो इसलिए बनाया था। अभी मैं अपने माँ के हाथ के साथ भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो आप देख पाओगे, शायद समझ भी लोगे। माँ वैसे भी उनके हाथों में थोड़ा प्रॉब्लम है तो फिर भी वो दे रही है मेरे साथ इतना ज़्यादा, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसलिए उन्होंने मेरे साथ वीडियो भी बनाया। तो मैं अपनी माँ को बहुत 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 बड़ा थैंक्स देना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं नहीं होती। उन्होंने जो भी सपोर्ट दिया, जो भी कुछ किया, आप देख रहे होंगे वीडियो में ही, क्योंकि वो बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने वीडियो के लिए हाँ बोला। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करें, और जो कोई भी देख रहा है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो हर पार्टी स्टाइल है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ करिए। आपको एलिमेंट्स आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जो मैंने यूज़ किया है। मैंने ज़्यादातर मैंने इसमें फ्रिल्स का यूज़ किया है, जो हम छोटे छोटे फ्रिल्स देते हैं उसको फ्रिल कहते हैं, और जो हम फ्लावर बनाते हैं वो भी फ्रिल फ्लावर के नाम से ही जाना जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी,
और मेरे सारे दोस्त जो हर रोज़ वीडियो देखते हैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ कैसा हुआ है वो भी बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी 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 मच, और गुड बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड।